And her world is not enough. She's a dad. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल दिल गांधीयाज। तो आज ये वीडियो बेस्ड है आई के ट्यूटोरियल पे। तो मैंने पूरा फेस का शेडिंग का भी रिकॉर्ड किया था, पर वो डिलीट हो गया मुझसे गलती से और नहीं मिल रहा है। तो रिस्टोर कैसे करूँ अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता देना प्लीज़। ये देखो, मेरा इतना पूरा फेस का हो गया था रिकॉर्ड, बस वो डिलीट हो गया गलती से। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते वीडियो को। तो मेरी फर्स्ट टिप आपसे ये रहेगी कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ज़्यादा जल्दी में नहीं किया ये, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया इसके लिए आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है, पर आपको टाइम देना है। मैंने भी आधा घंटा दिया था। और आपके जो भी रेफरेंस फोटो में जो हाईलाइट है उसको पहले आप ऑप्ट कर लीजिए, पहले आप उसको डार्क कर लीजिए, बाद में आप आगे का ड्रॉ कीजिए। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी कि आपको लेयर बाय लेयर करना है। तो मैं पहले एक बार लेयर 2B से कर रहा, 4B से कर रहा हूँ, और दूसरी बार बाद में 6B से कर लूँगा। वैसे ही अगर डार्क जितना प्रेफरेंस में है उतना ही करना हो तो मैं डायरेक्ट 8B या 10B का यूज़ नहीं करूँगा, उसे लेयर बाय लेयर यूज़ करूँगा। जैसे कि पहले 4x4B और उसके बाद मैं 6B यूज कर लूंगा। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे भी 6B से दूसरा लेयर कर रहा हूँ। आई में जैसे मैं खाली आई बॉल को ही पूरा डार्क नहीं करना रहता है, और आई के अंदर भी थोड़ा शेड करना रहता है, नहीं तो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा फोटो को ऑब्जर्व करके जिधर जिधर डार्क हो उधर डार्क भी करना है, तो उससे रियलिस्टिक लगेगा आपको। तो अब जैसे हमने पहली आई बनाई थी वैसे ही हमें स्लोली स्लोली ऑब्जर्व कर करके बनानी है सेकेंड आई भी। तो हमने जैसे भी फर्स्ट टाइम में लेयर बाय लेयर किया था वैसे ही यहाँ पे भी लेयर बाय लेयर करना, और जो भी हमारी हाइलाइट्स रहती है उसे भी ऑप्ट कर लेना है। पहले ही मैंने कर लिया है, अब आपको भी ऐसे ही करना है। देखिए यहाँ पे भी जैसे मैंने जैसे पहली आई में किया था दूसरा लेयर, वैसे ही यहाँ पे भी दूसरा लेयर कर रहा हूँ 6B से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो रेफरेंस फ़ोटो में
दूसरी आय है उसमें थोड़ा डार्क पार्ट है, तो हमें भी वहाँ पे डार्क ही करना है, मतलब थोड़ा शेड करना है वहाँ पे ताकि रियलिस्टिक लगे। बस अभी हमें आईब्रो और जो आई के ऊपर और नीचे जो डार्क पार्ट है वही करना है। उसे भी हमें लेयर बाय लेयर ही करना है, पहले 2B से, 2B से करूँगा पहले मैं, बाद में 4B से करूँगा, ऐसे करते करते ही हमें पूरा करना है, तो अच्छा भी लगेगा। और मतलब डायरेक्ट जो बड़े ग्रेड के पेंसिल्स रहते हैं उसको नहीं यूज़ करना है, लेयर बाय लेयर करना है, तो उससे अच्छा है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस मैंने इसी तरह शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको ये आई कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना।